हेलो, गुड इवनिंग। आज जो है ये एक छोटा सा बाइट मुझे मिला है जैन मुनि का और जैन साध्वी लोगों का। तो ये खाना पीना जो है ये बड़ा अजीब चीज है। खाने पीने में आप जो भी खाते हैं आपको उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। आप दूध पीने वाले हो सकते हैं, आप दूध पीने वाले नहीं हो सकते हैं, आप दही खाने वाले हो सकते हैं, आप मांस खाने वाले हो सकते हैं, आप सब्जी खाने वाले भी हो सकते हैं, आप रोटी यानी गेहूं का आटा खाने वाले हो सकते हैं, आप मोटा अनाज खाने वाले भी हो सकते हैं, आप चावल खाने वाले हो सकते हैं, आप चावल नहीं खाने वाले भी हो सकते हैं। अलग अलग चीज है और ये एक अजीब सी चीज है कि ये खाओगे तो शरीर मोटा हो जाएगा, ये खाओगे तो शरीर पतला रहेगा, ये खाओगे तो चेहरा ऐसा खिला रहेगा। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। तो जैन जो समुदाय है उसमें ये ऐसा माना जाता है कि जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं उसको नहीं खाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मुनि साहब क्या कह रहे हैं। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच। बताऊंगा विमल जी के जमीन के अंदर जो चीज़ उत्पन्न होती है ना, वो चीज़ शरीर के लिए सबसे बड़ी हानिकारक चीज़ है। इसलिए है कि एक तो सबसे पहली बात, सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है कि ये चीज़ लेने से जीव को भी परेशानी होगी और तेरे को भी परेशानी होगी। मैं शरीर के माध्यम से, हम लोग पहले चलते हैं कि आपने वो सब्जी जमीन के अंदर जो चीज़ बनी हुई है उस चीज़ को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला है, और सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिला है और वो चीज़ शरीर के अंदर जब जाती है ना, तब सबसे बड़ी परेशानी शरीर के लिए वो हानिकारक बनती है। उनके लिए चेक करना है तो आप चेक कर लेना कि कोई भी सब्जी खाई, ककड़ी खाई है, टमाटर लिया, भिंडी लिया, कोई भी लिया, करेले की सब्जी ली, दूसरी मिनट तीसरी मिनट पर पता नहीं चलेगा कि इन्होंने ये सब्जी खाई। लेकिन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और मैंने ये प्रूव कर कर दिखाया है कि 4 दिन पहले केवल सब्जी नहीं, किसी चीज़ के अंदर वो चीज़ आलू हो डाला है और वो चीज़ लिया है, 4 दिन के बाद भी उनको बताया कि तूने कहीं ना कहीं खाया है। उन्होंने बोला कि नहीं महाराज जी, ऐसे नहीं किया है। वो चेक करता है पूर्व का 4 दिन, उनको भी पता नहीं है कि मैंने खाया है, वो 4 दिन पहले की वो बात बताता है, वो चेक करता है, फिर उनको पता चलता है कि नहीं मैंने खाया था। इसलिए शरीर के लिए भी हानिकारक, मतलब 4 दिन के बाद भी उनके मुंह में से बदबू आ रही, उनका मतलब ये हुआ है कि वो शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर की बात ये चलेगी कि कोई भी चीज़ है ना, बिना सीड कोई भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पर जो सीड, चाहे कोई भी चीज़ लेंगे ना, उनका कितना भी पीस कर लेंगे और वो पीस कर कर आप ज़मीन के अंदर डालेंगे ना, तो चारों ओर से वो आलू और उनकी सबकी उत्पत्ति हो जाएगी। उनका मतलब हर जगह पर, हर स्पॉट पर उनका सीड बैठा हुआ है। उनका मतलब सीड है, उनका मतलब जीव है, जीव है जिनकी वजह से उनकी उत्पत्ति हो रही है। उनका मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा जीव उस चीज़ के अंदर है। और जैन धर्म ये बताता है कि सबसे कम तेरा भी ही जीवन चले और दूसरों को कम पीड़ा हो, उस रूप से तेरा जीवन व्यतीत करना। इसलिए जमीन वाली जो चीज़ है वो चीज़ सबसे नुकसानकारक भी है, और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर यदि हम लोग चल रहे तो हमको इतना, हम लोग इतना तो ज़रूर से सोच कर चलते हैं कि ये चीज़ अपने लिए हानिकारक है। जैसे आलू और क्या क्या बता दीजिए जितने भी थोड़ा। जमीकंद है, आलू आलू है, गज्जर है, मूली है, बीट बटाटा है, प्याज है, प्याज है, लहसुन लहसुन है, है, ये सब चीज़ ज़मीन के अंदर होने वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए आप देख लेना, स्वामीनारायण धर्म है ना, केवल आलू की छूट रखेगा और जितना भी तामसी पदार्थ है ना, वो तामसी पदार्थ का वो निषेध करेगा, वो तामसी पदार्थ के रूप में वो निषेध कर रहे हैं। लेकिन यदि मूल रूप से देखने के लिए जाए, सर्वज्ञ भगवंत ने जो बात बताई उस रूप से देखने के लिए जाए, तो ये जीव की सबसे बड़ी विराधना हो रही है, मतलब जीव की हत्या हो रही है। दूसरे नंबर पर शरीर के लिए हानिकारक है। तीसरे नंबर पर विकारों की उत्पत्ति इन पदार्थों से होती है। चौथे नंबर पर बुद्धि की भ्रष्टता इन पदार्थों से होती है। इसलिए भगवंत ने, परमात्मा ने इनका निषेध किया है। और प्रूव भी ये हो रहा है कि आदमी का सात्विक भोजन, योगी पुरुष है ना, कभी भी इस भोजन का आहार नहीं करेंगे, उनका सात्विक भोजन रहेगा। सात्विक भोजन में ये कोई भी पदार्थ जमीन के अंदर कभी भी नहीं आएंगे।
योगी पुरुष का भोजन यही सात्विक रहता है, जो सात्विक भोजन लेगा वो कभी भी जमीन कंद वाला भोजन नहीं लेगा। दोनों तरफ इतनी जो मछलियाँ मुर्गी सब हिंसा हो तो हो रही है, गुरुवार साहब ने बोला नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑन द वे इस तरह से दया नाम की चीज ही इंसान के दिलो दिमाग में से निकल जाएगी। ये तो भारत देश है जहाँ गाय की पूजा की जाती है, उसमें करोड़ों देवताओं का वास माना जाता है। चलो आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपसे कि पूरी तरह से हमारी तरह अहिंसा का पालन करो, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ये एटलीस्ट रास्ते पर इस तरह से दुकानों के अंदर बिक रहा है, इट्स वेरी बैड। आप पीछे कर सकते हो, करना ही नहीं है, करना पड़ रहा है, पीछे करो, पैक में करो, बंद करके करो। जो खराब चीजें होती है वो कभी खुले में नहीं होती है, और जिस देश में ऐसी चीजें खुले में ही होने लगे और खुले में ही होती रहे, उस देश का क्या फ्यूचर होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई चोरी करता है ना अंधेरे में जाके करेगा, कोई खराब चीज कर रहा है व्यभिचार कर रहा है बंद कमरे में करेगा, खुले में नहीं करेगा। तो ये भी चीज वैसे ही है, हिंसा हो रही है, वो काट रहा है उसके सामने, और जो शाकाहारी लोग वो देख के उनका दिल दहल जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो इतना मैं कहूंगी कि आप अगर हो सके तो बिहार सरकार से इतना कहिए कि एटलीस्ट रास्ते के ऊपर ये जो हिंसाओं के जो लगाया जा रहा है वो बंद करे और पीछे करे, ऑन द वे नहीं चाहिए, एटलीस्ट चलने वाले आराम से चल सके, वो इस तरह मुंह बंद करके। और समटाइम तो आई फील लाइक वॉमिटिंग ऑन द रोड बिकॉज आई कांट वॉक फ्रॉम दिस शॉप। यानी वो थोड़ा बैकग्राउंड में जाके करें जहाँ पर्दा हो थोड़ा। Don't.